बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का इस वीडियो में। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे IIM-2 R5 वाले स्टूडेंट्स के लिए, और ये हमारा अंतिम टॉपिक है, यानी कि इस पूरे सिलेबस में अंतिम आता है, लास्ट में आता है सबसे, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। तो इसमें हम आपको टूल के बारे में बताएंगे, वेब पब्लिशिंग टूल, फाइलजिला के बारे में, कैसे करते हैं अपलोड वेबसाइट को ऑनलाइन, वो सब कुछ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं पूरा। इस वीडियो में आपको लगभग पूरा समझाने का मैंने प्रयास किया है, तो लास्ट तक देखिएगा और अपने मन में जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसे कमेंट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे सिलेबस में कि क्या है सिलेबस के अंदर। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस के अंदर हमें मिलने वाला है तो यहाँ पर हमें ये है सिलेबस हमारा, और ये पब्लिशिंग ब्राउजिंग, इसके अंतर्गत हमें स्टडी जो करनी है वो टॉपिक मैं पूरा भी इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला चीज़ ये कि ये वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये चैप्टर नंबर हमारा 8 है और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमें HTML और वेब जो है होस्टिंग है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो वेब पब्लिशिंग के कंपोनेंट हो कौन कौन से हैं, वो सारा कुछ आपको इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, ये हमने नोट्स तैयार किया है इस पर आपके लिए। तो इस नोट्स के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, तो पहला चीज़ यह कि वेब पब्लिशिंग में HTML दिया हुआ। तो HTML क्या है, ध्यान रखिएगा आप लोग, HTML एक प्रकार से ये एक लैंग्वेज है और ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो है जिसमें हम लोग वेब पब्लिशिंग करते हैं। ये HTML इसमें भी रहेगा, XML भी रहता है, XHTML भी रहता है। तो HTML का जो पूरा है वो ये प्रकार का ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हम लोग वेब पब्लिशिंग कैसे करेंगे, पूरी उसकी स्क्रिप्टिंग लिखी गई होती है। इसके अंतर्गत ऐसे निर्देशों को शामिल किया गया होता है जो DTD है एक प्रकार के। HTML अपने में एक दस्तावेज भाषा नहीं है, लेकिन एक को निर्दिष्ट करने का वर्णन करता है, यह मेटा डेटा है। HTML इस प्रकार इस पर विचार पर आधारित है कि दस्तावेज में संरचनात्मक और अन्य अर्थ तत्व हैं जिन्हें इस तरह से तत्वों को प्रदर्शित किया जाना है कि वह किस प्रकार से डेटा अपलोडिंग होंगे और व्यू करेंगे। इस तरह के दस्तावेज का वास्तविक प्रदर्शन भिन्न भिन्न हो सकता है। तो HTML ये बात डिसाइड करता है कि किस प्रकार से हमें पब्लिश करना है अपने कंटेंट को, इसकी पूरी जानकारी हमारे इसी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे वेब प्रकाशन की, यानी वेब प्रकाशन क्या है, यानी वेब पब्लिशिंग क्या होता है। ये ऐसा तो ये पूरा चैप्टर में इसमें यही कुछ है ही है, बाकी कुछ नहीं है। वेब पब्लिशिंग का मतलब था वेब पेज या वेबसाइट को सर्वर पर अपलोड करना। यदि आप आसान भाषा में कहें तो वेब प्रकाशन का अर्थ है इंटरनेट पर सामग्री को ऑनलाइन प्रदर्शित करना। यानी कि जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा था, HTML, XML एंड XHTML, ये बिल्कुल डिफरेंट है HTML से। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि हम जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो HTML का प्रयोग कर सकते हैं, XML का भी प्रयोग करेंगे और XHTML का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन जब ये पूरा का पूरा कंटेंट हमारा यहाँ से कहाँ जा रहे लगेगा, अपलोडिंग जाएगा इंटरनेट पर, तो उस जगह पर हमारा जो भी जाएगा ये वो यहाँ से डेटा जो जाएगा, तो इस जगह पर हमारे ले जाने का, कैसे हम ले जाएंगे डेटा, किस तरीके से हम इंटरनेट पर अपलोड करेंगे, वो पूरा HTML के थ्रू होता। समझ गए होंगे आई होप। तो ऑनलाइन हम लोग जब प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जब ऑनलाइन सामग्री को डालते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेब पब्लिशिंग या वेब अपलोडिंग। हम इस सिचुएशन में मान लीजिए कि कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट है, जैसे हम लोग अपना फोटो डालते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इन सब में, तो ये प्रकार से पब्लिशिंग ही हो रहा होता है। वेब पब्लिशिंग के कई प्रकार के यहाँ पे स्टेप्स होते हैं। तो वेब पब्लिशिंग तैयार करना, प्रस्तुत करना एक लंबी प्रक्रिया है। यह मुख्य रूप से 5 चरणों में विभाजित है। यहाँ पे डोमेन का नाम, वेब होस्टिंग, इंटरनेट कनेक्शन, वेबसाइट डिजाइनिंग, विकास, तरक्की। अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वेब पब्लिशिंग के लिए अगर आप वेबसाइट बना करके अपना डालना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो आप देखते रहिए, कैसे ये वेबसाइट बनता है और किस प्रकार से अपलोड करना होता है, उसका पूरा मैं आपको यहाँ पर
छोटी छोटी बातों को भी बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला काम यह है कि जैसे आपको वेबसाइट बनाना है तो सबसे पहले आपको वेबसाइट का नाम क्या रखना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वेबसाइट का नाम आप यहाँ पे तैयार करेंगे। आपको वेबसाइट किस नाम से रखना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। .com में रखना है, .org में रखना है, .biz, .net किस में रखना है। तो सपोज करिए कि मैं अपना नाम चूज करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, अपने कंप्यूटर में जाइए और GoDaddy खोलिए। GoDaddy एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर हम जा करके अपनी डोमेन नेम को जान सकते हैं कि हमारा डोमेन नेम कौन सा फ्री है और कौन सा, या हमें हमारे लिए कौन सा डोमेन नेम उपलब्ध है या नहीं है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा डोमेन नेम लूँ जो जो है ज़्यादातर लोग जो है व्यू कर सकें, तो उस सिचुएशन में जैसे मैं कंप्यूटर कोर्स मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ रखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर कोर्स नाम से वेबसाइट बनाऊँ, उस पर लोगों को जानकारियाँ शेयर करूँ, तो उसके नाम से मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं इसको सर्च करूँगा। अब इस नाम से डोमेन है या नहीं है ये यहाँ पर हमें सर्च करके बता देगा। तो कह रहा है computercourse.com इज टेकन, किसी ने ले रखा, लेकिन ये डोमेन आपको मिल जाएगा 8,000 रुपये में। ये डोमेन मिल सकता है कंप्यूटर कोर्स के नाम से जो है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है और देखें तो बहुत सारा yourcomputercourse.com ये मिल सकता है आपको, है कंप्यूटर कोर्स बैंक है, कंप्यूटर कोर्स बहुत सारे यहाँ पे, कंप्यूटर कोर्स जॉब है, तो ये बहुत सारे और नाम से भी आपको मिल सकता है। उनके प्राइस हैं, ये फर्स्ट ईयर के प्राइस दिए हुए हैं, सेकंड ईयर में आपको कुछ प्राइस ज़्यादा लगेगा। तो सेकंड ईयर में प्राइस आपको कुछ ज़्यादा लगता है वो ये है कि आपको यहाँ पर देखो ये वाला आपको प्राइस लगेगा। फिलहाल के लिए ये प्राइस कम ज़्यादा और कितना होगा ये आपको अभी यहाँ पर निर्भर नहीं करता, जब आगे जाएंगे तो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिखाता है। तो कितनी प्राइस हो सकती है वो डिपेंड करेगा हमारे इसके आगे जाने पर, किसके टर्म कंडीशन और बहुत सारे आगे के होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि हम किसी प्रकार से डोमेन, मान लो हमने ये डोमेन बुक कर लिया, कोई भी इसमें से एक डोमेन ले लिया है, पेमेंट करके लेने के बाद में अब हमको काम क्या करना पड़ेगा। तो देखिए डोमेन जब हम ले लेंगे, डोमेन का डिसीजन हो गया कि डोमेन हमने ले लिया है, डोमेन में हम लोग माइनस सिंबल का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए। और इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपकी वेबसाइट जो है स्लो ओपन होती है, यह भी कहे कि लोग सर्च कम करते हैं, बट ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब डोमेन का काम कौन करता है, तो डोमेन का काम जो है डोमेन होस्टिंग, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे डोमेन, जैसे मैंने अभी आपको बताया GoDaddy है जहाँ पे हम डोमेन कर सकते हैं। अब डोमेन ले लिया, लेकिन डोमेन के बाद अब हमारा आता है होस्टिंग करना, यानी कि स्पेस लेना। वेब होस्टिंग एक ऐसी सेवा है जो संगठन या व्यक्ति को इंटरनेट पर वेबसाइट डालने की सुविधा प्रदान करती है। यह वेब प्रकाशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहाँ और कब कंप्यूटर, जिसे आपकी वेबसाइट सर्वर को कहा जाता है, जब भी कोई इंटरनेट उपयोगकर्ता आपकी वेबसाइट देखना चाहता है तो आपके ब्राउजर में आपकी वेबसाइट का डोमेन खोजता है और वे आपकी वेबसाइट पर पहुंच जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये तभी पॉसिबल है जब हमारा जो है डोमेन तो बुक हो गया, लेकिन डोमेन बुक होने के बाद में प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो है डोमेन तो है लेकिन डोमेन की जगह कहाँ पर है वो नहीं है, यानी हम अपना डेटा कहाँ रखेंगे। तो देख लीजिए दो बात इसमें महत्वपूर्ण है। एक बात ये है कि डोमेन के सिचुएशन में हमारे पास एक तो होस्टिंग होनी चाहिए, जो मैंने कि अभी आपको दिखा दिया, सॉरी अभी जो हमने नहीं दिखाया है अभी आपको हम दिखाएंगे, और दूसरा डोमेन। अब डोमेन जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, तो एक तो होस्टिंग माने स्पेस, होस्टिंग माने स्पेस क्या होता है इसको समझने के लिए, और डोमेन मतलब हमारा जो नाम है, तो जिस नाम से हमको रखना है वो दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं, लिंक रहते हैं। जब हम इस डोमेन को खोलेंगे तो जो हमारी फाइल रखी जाएगी वो यहाँ पर रखी जाएगी, तो ये दोनों अलग अलग परचेज करना पड़ता है। फिलहाल के लिए ये जब भी हम यहाँ पर आकर के GoDaddy में सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद में ये हमको डिस्प्ले कर सकता है कि हमने ये डोमेन खरीद रखा है। तो आइए हम यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा प्रोसेस आगे करके दिखाते हैं कि मान लो मुझे ये वाला डोमेन पसंद आ गया है, ये योर कंप्यूटर कोर्स, तो मैंने इसको ऐड पे क्लिक कर दिया। अब क्या होगा इसका प्रोसेस के आगे का आप देख लीजिए। कंटिन्यू शॉपिंग में क्लिक कर दिया, नहीं मुझे कंटिन्यू अभी के अभी परचेज करना है, तो ये देखिएगा आगे का प्रोसेस दिखाएगा। अब यहाँ पर आ गए जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा कि अब हमें फुल डोमेन प्राइवेट प्रोटेक्शन के साथ में लेना है, तो ये हमको ऐसे कुछ रहने दीजिए, तो कुछ भी नहीं करना, तो जैसा कहे वैसे वैसे कर दीजिए। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे आपका डोमेन का जो प्राइस दिखा रहा है वो आपको दिखा रहा है
पहले साल दूसरे साल को ऐड करके दिखा रहा है 1898 रुपीज़ दिखा रहा है। मैं अगर ये पहले साल को ही केवल ख़रीदना चाहता हूँ तो इसका रेट कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा यहाँ पे 849, यानी इस पर आपको डिस्काउंट लगा दिया गया है। लेकिन अभी इसके साथ में आपको कई और चीज़ें ऐड करके रखा गया, तो हम चाहते हैं इनको ना लें तो इनको ना लीजिए, इनको सबको क्या करेंगे हम रिमूव कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर इतना प्राइस। अच्छा ये नहीं, ये इसके साथ में अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें गड़बड़ हो गया तो मैं बैक जाऊंगा इसमें, बल्कि हमें उस डोमेन के साथ में आना है जो डोमेन हम अभी खरीदे थे। तो डोमेन के साथ में हम आएंगे, अभी डोमेन के साथ में ये हमें वापस, हमने गलती से क्लिक कर दिया था, चलो अच्छा आ गया। आपको बढ़ा करके दिखाते हैं होस्टिंग कैसे करते हैं, इसमें होस्टिंग भी लेना होता है। तो होस्टिंग बड़ा महत्वपूर्ण, अब ये होस्टिंग हमको नहीं दिखा रहा बल्कि बिलिंग के लिए सीधा कर दिया जाए, होस्टिंग आपको दिखाना चाहिए था। बट हम यहाँ पर एक बार फिर से गोडैडी पर जाएंगे और दोबारा करके दिखाएंगे आपको इस प्रोसेस को। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हम लेंगे कंप्यूटर कोर्स, और कंप्यूटर कोर्स हमने यहाँ पर ले लिया। कंप्यूटर कोर्स में अभी यहाँ पर देखो कोर्स डॉट कंप्यूटर के नाम से आ रहा है, कंप्यूटर कोर्स डॉट इन 99 का मिल रहा है। ये हमने कहा चलो भैया इसी को ले लिया जाता है। अभी कह रहा है कि ये डोमेन कोई बुक कर लिया है, ये उपलब्ध नहीं है, चलो दूसरा ले लेता हूँ मैं। ये कह रहा है, हमने कहा चलो कंटिन्यू परचेज करते हैं इसको। अब ये परचेज करने के बाद आ गए हम यहाँ पे, अब यहाँ पर हमने इसको इधर जो है फुल प्रोडक्शन नहीं लेना, मुझे नो नो थैंक पे क्लिक कर दिया। और ईमेल एड्रेस के लिए दे रहा है यहाँ पे, तो मुझे ईमेल एड्रेस भी नहीं लेना है, तो नो थैंक कर दिया यहाँ पर। अब आगे कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअल आ गया और ये ईमेल आईडी आ गया। ये हमारे पास कह रहा है कि ईमेल, तो मैं ईमेल प्रोसेस नहीं रखना चाहता, तो ईमेल प्रोसेस रिमूव कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हमको मिल रहा है, अच्छा डॉट ओ आर जी के साथ में ये आ रहा है, कंप्यूटर कोर्स डॉट ओ आर जी, तो मैंने इसे 1 ईयर के लिए कर दिया डॉट जो है। तो ये कह रहा है कि 749 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। अब मैंने कहा आगे मैं चेकआउटिंग पर चलता हूँ, तो अभी हमें यहाँ पर ले आया कि आप यहाँ पे साइन इन कर लीजिए और पेमेंट करने का प्रोसेस आगे आपको देगा यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन, और आगे हमको ये भी दे देगा कि हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं या होस्टिंग भी लेना चाहते हैं। तो होस्टिंग में यहाँ पे आता हूँ होस्टिंग प्रोसेस को डिस्प्ले करने के लिए। देखिए यहाँ पर हम जैसे ही आएंगे और यहाँ पर हमको वेबसाइट डोमेन तो दिया है, होस्टिंग का प्रोसेस इसमें आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं मोर पे क्लिक किया, होस्टिंग पर चला गया, होस्टिंग को जो है होस्टिंग में परचेज करूँगा। तो होस्टिंग का भी आपको यहाँ पे रेट आपको दिखाया जाएगा जो है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया वेब होस्टिंग, तो देखिएगा वेब होस्टिंग के लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट पैनल एंड प्राइस, यहाँ पे देखिए प्राइस और पैनल आ गया जो है, ठीक है ना। यहाँ पे जो सबसे पहला है बेसिक है और ये 99 रुपीज़ मंथ का है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको रैम मिल रहा है 256 MB का है, वन वेबसाइट है, 30 GB स्टोरेज कैपेसिटी, ये तो सब कॉमन बातें हैं, ये तो पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, होस्टिंग के लिए। बट ये होस्टिंग हमारा यहाँ पे कितने दिनों के लिए लेना चाहते हैं, 12 1 साल के लिए लेना चाहते हो, तो ये आपको कह रहा है इतने रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा, यानी कि हमें लगभग कुछ समथिंग इतना रुपीज़ के आसपास आने वाला है। तो ये तो हो गया होस्टिंग। जब आप इसको खरीद लेंगे, दोनों को लिंकअप कर लेंगे, तब आप अपनी वेबसाइट को डाल पाएंगे। तो मैं आपको ये सब चीज़ कर चुका हूँ पहले भी, बट ये आपको जो है दिखाने और समझाने के लिए मैं कर रहा था। तो आपको वेब होस्टिंग आपको समझ में यहाँ पर कि कैसे हो जो है परचेज करेंगे वो भी समझ में आ गया है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे अब वेब प्रकाशन के लिए वेबसाइट डिजाइनिंग और विकास, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वेब का प्रकाशन और वेबसाइट डिजाइनिंग बहुत बढ़िया टॉपिक है। जब भी आप वेब पेज को बनाने सोचते हो तो सबसे बड़ी बात आती है कि डिजाइन कैसा रखा जाए, उसका कितना बढ़िया डिजाइन किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट पर आए।
तो वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लाने के लिए ही वेबसाइट की डिजाइनिंग ऐसी की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो डिजाइनिंग है वो सिंपल होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड कलर ना ही होना चाहिए। सिंपल का मतलब यह है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा डिजाइनिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन कुछ मामलों में जैसे गेम है उनमें डिजाइनिंग और कंटेंट दोनों होना चाहिए। तो किस तरह की वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। डिजाइन का कोई एकदम बिल्कुल फिक्स तरीका नहीं होता है और समय समय पर डिजाइन की डिमांड बदलती रहती है। तो ये आपका डिपेंड करेगा किस समय के लिए है। उसके अलावा आपको बहुत सारे ऑनलाइन मिल जाएंगे जहाँ पर जा करके आप लेटेस्ट कंटेंट के डिजाइन को देख सकते हैं। थोड़ा सा जो है आप जो है उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। वेबसाइट बनाते समय हमको इस बात का भी ध्यान रखने जरूरत होता है कि अगर हमने उसका रख रखाव सही से नहीं किया तो फ्यूचर में हमारे पास दिक्कत आने लगेगी। जैसे कि हम उसका विज्ञापन नहीं देते हैं, उसको ज़्यादा डिस्प्ले नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। अगर जाकर के उससे हम कमाई नहीं कर सकते, मतलब वेबसाइट्स जो पर्पज़ होता है वो हमें बनाने का कि हम क्यों बना रहे हैं, तो वेबसाइट बनाने का जो पर्पज़ है वो अगर पूरा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी। यानी वैसे वो हम लोग कहते हैं रख रखाव, यानी कि वेबसाइट का रख रखाव भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने वेबसाइट मान लीजिए .com ले रखा है तो ये भी ध्यान रखना है कि अब हमें फ्यूचर में आगे जाकर के हमारे पास बैलेंस नहीं है, हमारा बजट नहीं है तो हम उसको हाई लेवल पर नहीं ले सकते क्योंकि उसमें काफ़ी खर्चा आता है डोमेन को रखने के लिए, होस्टिंग को रखने के लिए जो है। तो डोमेन होस्टिंग का ही कम से कम खर्चा आपका 2-2 हज़ार रुपये आ जाता है साल का। अगर आप इतना पैसा भी एडजस्ट नहीं कर पाते हो तो फिर आपको दिक्कत होगी। दूसरी, वेबसाइट में स्टैटिक और डायनेमिक है, वेबसाइट को अपडेशन भी आपका जो है करना पड़ेगा। तो समय समय पर वेबसाइट में आपको सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है और ये अगर सुधार सही से नहीं कहता है कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें इसमें बदलाव करना होता है। तो ये बदलाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बदलाव हमें करते रहना पड़ता है। वेबसाइट बनाते समय हमको इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो टैबलेट पे, लैपटॉप पे, टीवी में, मोबाइल में दिख सके। और सबका डिस्प्ले अलग-अलग होता है, मोबाइल का डिस्प्ले अलग। अब आजकल तो लगभग लगभग सभी लोग की वेबसाइट जो होती है वो मोबाइल पे डिस्प्ले करती है और मोबाइल ऐप होता है। तो हमें वेबसाइट बनाना एक प्रकार से खर्चीला वर्क हो गया है क्योंकि वेबसाइट जैसे ही आपने डिजाइन किया, उसको तैयार किया, तो अब उसको जब कोई भी व्यक्ति मोबाइल पर देखे तो उसका अलग लेआउट हो, जब उसे लैपटॉप पर देखे तो अलग लेआउट हो, टैबलेट पर देखे तो उसका अलग लेआउट हो, अगर किसी बड़े पे देख लिया जैसे लाइक टीवी है या और बड़े पे देख लिया तो सबका लेआउट अलग अलग होना चाहिए। एक जैसा लेआउट जो है अलग अलग जगहों के लिए वो दिक्कत करेगा, कंटेंट अच्छे नहीं लगेंगे देखने में। तो यहाँ पे हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जैसे ह्यूमन रूल्स या नियम बताता है कि सभी प्रकार के डिजाइन गतिविधि मूल रूप से प्राकृतिक और सामाजिक होना चाहिए। आगे है कि अमिगेटिव रूल्स या नियम सभी डिजाइनर थिंकर को चाहता है कि वह अपने डिजाइन थिंकिंग प्रक्रिया में अस्पष्टता बनाए रखें। रीडिजाइन, अगर लगता है कि वेबसाइट बढ़िया नहीं है तो उसको रीडिजाइन किया जा सकता है, उसको थोड़ा सा और बदलाव किया जा सकता है। वास्तविकता का नियम कि ये कहता है कि विचारों का वास्तविक बनाना, यानी कि डिजाइन विचारों के हिसाब से जो है बदलता रहे, सुधरता रहे, नहीं एक जैसा होगा तो हमेशा आपको जो है प्रॉब्लम करेगा। जो है चुनौतियाँ क्या आएंगी आपको, होस्टिंग को लेकर के चुनौती आएगी, ज़्यादा स्पीड को लेकर के चुनौती आएगी, यानी इस तरह की आपको चुनौतियाँ मिलेंगी। तो होस्टिंग की समस्या क्या आएगी वो हम आपको आगे बताएंगे भी। तो इसके अलावा आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान देना है कि वह सारी चीज़ें हमारी अगर प्रॉपर में नहीं हुई तो हम वेबसाइट को अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब मान लो सब कुछ आपने कर लिया लेकिन वेबसाइट को ज़्यादा व्यू चाहिए तो उसके लिए हमें मेटा यूज़ करना होता है क्योंकि जब कोई खोलेगा वेबसाइट तो सबसे पहले सर्च इंजन पर जाएगा और अगर आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में नहीं आएगी तो फिर वेबसाइट कोई ओपन ही नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरी यहाँ पे कि आपका मेटा कीवर्ड अच्छी तरीके से वर्क करता हो। तो मेटा कीवर्ड क्या होता है ये हम आपको इसमें बताएंगे। आपको हर रोज इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी ढूंढने के लिए हम लोग जो है इंटरनेट के माध्यम से जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है एक वेबसाइट को एक्सेस करने का उससे बहुत सारे तरह से उसके एल्गोरिथम लिखा गया होता है और उसके डेटाबेस तक जो है सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है और फिर वो सर्च करके तब तो हमारा रिजल्ट निकालता है।
तो उसमें अच्छी तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो और यूजर्स जितना अधिक हो हमारी वेबसाइट पर पहुंच सके, उस सिचुएशन के लिए हमें वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे मेटा टैग लगाने पड़ते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। हम यहाँ पे आपको मेटा टैग की पूरी डिटेल तो नहीं दे रहे हैं, बट ये ज़रूर है कि हमने आपको यहाँ पर मेटा टैग की एक लिस्ट अलग से है, वो आप अगर चाहेंगे तो क्लिक करके आपको दिख जाएगी। तो मेटा टैग कुछ इस प्रकार का होता है जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, मेटा जैसे कि इसे टाइटल आपको अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए, जो है मेटा कैरेक्टर यूटीएफ यानी कि यूनिकोड अगर कोई यूज करे तो उसके लिए भी यहाँ पे यूज होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन यानी कि डिस्क्रिप्शन या क्या है आपको, तो जैसे ही आपको मैं यहाँ पर गूगल खोलता हूँ, मैंने यहाँ पर सर्च किया राजेश आईटी। अब जैसे राजेश आईटी कोई सर्च करेगा तो ये जो कुछ दिख रहा है, ये सारा कुछ जो कुछ आ रहा है यहाँ पर है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, वो कीवर्ड के ऊपर है, क्योंकि राजेश आईटी जो यहाँ पर दिख रहा है ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है, यहाँ पर जितना कुछ दिख रहा है वो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रही होगी। नेक्स्ट बात आता है यहाँ पर आपको जो है कि जैसे ही आप सर्च करेंगे उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आने लगेगी, तो ये डिस्क्रिप्शन कहलाता है, ये हमारा टाइटल कहलाता है, ये जो ऊपर दिख रहा है ये टाइटल हमारा है, ये वेबसाइट का यूआरएल हमारा दिया हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति जब सर्च करेगा तो वो उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है आपके जो है, ठीक है ना, अगर पहले नंबर पे आते जैसे कोई सर्च किया, अब मान लो आपकी वेबसाइट नहीं आई तो क्या होगा कि वो दूसरे वेबसाइट को ओपन कर देगा, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में आपको वेबसाइट आनी चाहिए या आपकी वेबसाइट सर्च होकर के आ रही होगी तभी लोग उसको जाकर के वर्क करेंगे जो है, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि हम अच्छी तरीके से काम करें, अच्छी तरीके से उस पर काम हो सके, तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण जो है। तो ये अकॉर्डिंग टू द मेटा टैग, मेटा टैग के अकॉर्डिंग ही है, बिना मेटा टैग के ये पॉसिबल नहीं है कि वो काम हो पाए। जो ये कीवर्ड है, कीवर्ड के अंतर्गत हम मेटा टैग का जो है लिखते हैं जो है, ठीक है ना, मेटा टैग का कीवर्ड लिखते हैं जिस कीवर्ड से हम लोग सर्च करते हैं, तो वो यहाँ पे काम करता है। जो रोबोट है, यहाँ पे रोबोट भी एक कीवर्ड है, इसका काम होता है कि हम अपने उस वेबसाइट पर जाते हैं जिसको हमें डिस्प्ले करना है, ठीक है ना, जिसकी डेटा को कंटेंट को डिस्प्ले कराना है, तो उसको भी हम लोग मेटा टैग के अंतर्गत जो है रोबोट के अंतर्गत रखते हैं जो है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी हुई जो मैंने यहाँ पे वन बाय वन लिख दिया। मेटा टैग में मेटा टैग क्या होता है ये हमने, मेटा टाइटल है, रोबोट है, कॉनिकल है, मेटा ओजी है और मेटा टाइटल है, तो ये हमने आपको यहाँ पर एक एक करके एग्जाम्पल भी दे दिया है साफ, ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से जाए जो है, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, यानी WWW क्या है। तो WWW एक प्रकार का जो है प्रोटोकॉल है जो हमारे यूआरएल के अंतर्गत होता है, आपको दिखाता हूं। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहां पर देखिएगा कि जो यूआरएल हमारा होगा उसके अंदर, ठीक है ना, ये WWW आपको दिख जाता है, ये जो इतना WWW है तो ये यूआरएल के अंतर्गत आता है। तो हम इसी यूआरएल की बात कर रहे हैं, WWW की बात कर रहे हैं कि ये WWW आखिर क्या होता है। तो WWW का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, यह इंटरनेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्विस है, कई सारे वेब सर्वर और क्लाइंट को एक साथ जोड़ने का काम करता है। वेब सर्वर में एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को, इमेज को, वीडियो को और भी बहुत सारे प्रकार के ऑनलाइन कंटेंट को स्टोर करके रखता है जिनकी मदद से ये एक्सेस किया जा सकता है। दुनिया में जितने भी वेबसाइट और वेब पेज हैं जिन्हें हम वेब ब्राउजर पर देख पाते हैं, वह सभी वेब पेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें HTTP की आवश्यकता होती है, यानी HTTP प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, ये HTTP क्या होता है, तो ये देखो ये भी आपको इसके अंदर दिख जाएगा। HTTP का मतलब यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस माने सिक्योर होता है। तो देखिए जिस वेबसाइट में ये लॉक ना लग करके आ रहा हो, समझ लीजिए वो वेबसाइट जो है सिक्योर वेबसाइट नहीं है। तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगे जिसमें लॉक नहीं लगा होगा, तो वो सिक्योर वेबसाइट कहलाती नहीं है, उन पे जाने पर आपको हानिकारक हो सकता है, हानिकारक होंगी ऐसा नहीं है लेकिन हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे यहाँ पर। तो आपको WWW का मतलब लगभग लगभग मैंने आपको बता दिया, कुछ और भी डिटेल हमने साथ ही में ऐड कर दिया जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो आपको समझ में आने के लिए। ब्राउजर की बात करेंगे, ये ब्राउजर क्या होता है। देखिए ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिस पर हम लोग अपने मोबाइल में या कंप्यूटर पर कुछ भी कोई भी वेबसाइट जब एक्सेस करते हैं तो ब्राउजर ओपन करते हैं, और बिना ब्राउजर के हम लोग कोई भी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे आपके मोबाइल में हो सकता है गूगल क्रोम
हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एज हो या ओपेरा हो, फायरफॉक्स हो या सफारी हो या ब्लैकबेरी हो, कोई भी ब्राउजर हो सकता है। तो ब्राउजर का काम क्या होता है, ब्राउजर किस लिए काम करता है? तो वेब ब्राउजर का एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट पर मौजूद वेब पेज को यूजर के लिए ढूंढकर इंसानों की भाषा में अनुवाद करता है। इन वेब पेज में मौजूद जानकारी में ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, वेब पेज तथा साधारण टेक्स्ट शामिल हो सकते हैं। ब्राउजर मानकों के आधार पर वेब पेज डेटा को फ्रेंच करता है। गूगल क्रोम एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि। अब यहाँ पे HTTP क्या काम करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विस्तारित रूप से अगर हम कहें तो ये हाइपर टेक्स्ट सूचना प्रणाली के लिए एक अनुप्रयोग स्तरीय प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग 1990 के आसपास जो हुआ था। HTTP एक सामान और स्टेटलेस प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए साथ साथ अनुरोध भी और त्रुटियों के लिए हेड एक्सटेंशन का उपयोग करने के लिए किया जाता है। मूल रूप से HTTP एक TCP/IP आधारित प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा को देने के लिए किया जाता है। डिफॉल्ट पोर्ट में अगर हम बात करेंगे तो यह पे पोर्ट जो है वो 80 होता है, लेकिन अन्य पोर्ट का उपयोग या कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए मानवीकृत तरीका प्रदान करता है। HTTP निर्दिष्ट करता है कि ग्राहक अपने अनुरोध के हिसाब से डेटा का निर्माण, सर्वर के पैसे भेजा जाएगा, ये सब कुछ काम करता है। इसको शॉर्ट में समझ लीजिएगा। यहाँ पर एक एग्जाम की बात करें तो आपके यहाँ पे TCP का जो पोर्ट है डिफॉल्ट वो 80 होता है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। HTTP किस लेयर पे काम करता है ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए था। HTTP कब लागू हुआ था उसके आसपास, तो 1990 के आसपास लागू हुआ था। HTTP किस प्रकार का प्रोटोकॉल, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। HTTP कहाँ लिखा होता है, तो URL के अंदर लिखा होता है जिसे मैंने आपको बताया। तो HTTP HTTPS ये दो होते हैं। HTTPS सिक्योर होता है, HTTP सिक्योर नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात थी जो आपको इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि। HTTP में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके डिटेल्स में समझा दिया है, तो ये आपको समझ में आसानी से आ जाने वाला पॉइंट है। आर्किटेक्चर कैसा होता वो सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको एक एक करके समझा दिया है कि काम कैसे करेगा, तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब लोडिंग प्रोसेस कैसा होता है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिएगा, और इसमें थ्योरी जैसा मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ उसी तरह से आपको एग्जाम में थ्योरी भी लिखनी है, क्योंकि इसका पेपर अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आएगा R5 के लिए, क्योंकि इस बार मैंने सैम्पल पेपर नहीं बनाया है, क्योंकि इस बार पेपर जितना कुछ आएगा बहुत ही ईजी आने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको बहुत ही सैंपल क्वेश्चन पेपर आएगा, और वो कौन से क्वेश्चन आएंगे पहले तो आप लोग थ्योरेटिकली तैयार कर लीजिए। इसको जो है ये बोला वीडियो को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पेपर ही बताने वाला हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और कैसा क्वेश्चन बन करके आएगा और फिर कैसे सॉल्व करना वो भी आपको बताऊँगा। वेब प्रकाशन का मतलब वेब पेज या फिर वेबसाइट को तैयार करना और सर्वर पर अपलोड करना, यानी कि वेबसाइट को क्या करना, जैसे मान लीजिए आपने वेबसाइट बना लिया, वेब पेज भी खरीद लिया, होस्टिंग भी खरीद लिया, लेकिन उसको अपलोड कैसे करेंगे, यानी वो अपलोडिंग प्रोसेस क्या है। तो अपलोडिंग प्रोसेस करने के लिए हमारे पास टूल होना चाहिए, और अगर टूल नहीं है तो भी हम कर सकते हैं अपलोड, बस उसका तरीका भी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको यूज करना सिखाएंगे फाइलजीला, यानी वेब होस्टिंग क्या है और वेब होस्टिंग का प्रयोग कैसे करते हैं। तो फाइलजीला की मदद से हम आपको होस्ट कैसे करते हैं ये पूरा आपको बताएंगे। तो ये वेब होस्टिंग यहाँ पर आपको पूरा थ्योरेटिकली मैंने यहाँ पे बता रखा है, लेकिन अभी इसको समझाने के लिए जरूरी है कि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन करेंगे फाइलजीला। तो देखिए यह है फाइलजीला, फाइलजीला हम ओपन करेंगे। तो देखिए ये हमने फाइलजीला को ओपन कर लिया है, और फाइलजीला को ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला काम एक तो हम यहाँ पे होस्टिंग का नेम, यूजर नेम और पासवर्ड ये दोनों भर देंगे, बस ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पर कनेक्ट होते ही हमारा पूरा जो है जो इधर ऑनलाइन होगा डेटा वो यहाँ रिमोट कंप्यूटर पे देखने लग जाएगा। रिमोट कंप्यूटर पर दिखेगा सर्वर का डेटा यहाँ दिखेगा और हमारा लोकल डेटा यहाँ पर दिखेगा।
हम इधर से डेटा को उठा करके इधर डालेंगे, वो सर्वर पर चला जाएगा। तो ये मैं आपको यहाँ पर कैसे होता है ये आपको एक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत सारा हमारे पास वेबसाइट है और उन सभी वेबसाइट में से मैं आपको यहाँ पर एक आध करके दिखाता हूँ। तो चलिए देखता हूँ कैसे होता है यहाँ पर है। तो मैं कोई भी ट्राई करता हूँ जिसको देखिए कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये कनेक्ट हो रहा है। और ये कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एरर दे दिया है, ये ऐसे कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद में ये वाला एरर दे रहा है। तो मैं इसको ये वाला ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने का, ये कनेक्ट हो रहा है। आई होप कि ये कनेक्ट हो जाना चाहिए, इस्टेब्लिश हो रहा है कनेक्शन। इस प्रकार से ये इनिशियलाइज होगा और इनिशियलाइज हो करके यहाँ कुछ एरर आ गया है, तो ऑथेंटिकेशन का फेल हो गया है, तो ये अभी नहीं हो पाया यहाँ पर। इधर डेटा दिख जाएगा, फिर हम करेंगे क्या कि इधर का जो डेटा होगा, हम कोई भी डेटा इधर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। अभी सर्वर पे कनेक्टेड नहीं है इसीलिए दिख रहा है ऐसा जो है। चलिए अच्छा मैं कोई दूसरा तो ट्राई करता हूँ इसमें से। मे भी शायद कनेक्ट हो जाए, थोड़ा डिले कर रहा है, कनेक्ट हो जाता है वैसे तो। चलिए तो ये ऐसे करना है आपको, बस कुछ खास नहीं है इसमें है। आपको जो करना है वो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल दीजिए और कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद में आपको इधर का डेटा पूरा का पूरा उठा करके डाल देना है, ये पूरा का पूरा डेटा इधर उठा करके डालना है जो है, ठीक है ना। तो ये तो आपका फाइल जिला का हो गया जो है, ठीक है ना, फाइल जिला में डालने का तरीका हो गया। फाइल जिला के बाद में अगर हम ऑनलाइन डालने का प्रयास करेंगे तो ऑनलाइन भी हम डाल सकते हैं। हाँ, तो हम आपको ऑनलाइन कैसे करेंगे वो अब आपको करके दिखाते हैं। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसे हम कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करते हैं उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि कैसे काम करेगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से हमें करना है यहाँ पे होस्टिंग, तो आपको यहाँ पे होस्ट करके दिखाते हैं। जैसे कि देखिए ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट को हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। इस ओपन करने के बाद में इस वेबसाइट के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि ये काम कैसे करता और कैसे अपलोडिंग करता। तो ये हमने यहाँ पे इसका पैनल खोल के रखा है। अब इस पैनल में हम यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट हैं, तो हम यहाँ पर एक वेबसाइट को आपको करके दिखाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम आज प्रीव्यू ओपन कर लेंगे जो, ठीक है, ताकि हमको ये पता चल जाए कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्रीव्यू मैंने यहाँ पे अलग से ओपन कर रखा है, तो ये अभी यहाँ पे दिखा रहा है कमिंग सून, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसमें एडिटिंग करेंगे, फाइल मैनेजर पर जाएंगे और यहाँ पे इंडेक्स पेज दिया हुआ है, इंडेक्स को हम क्या करेंगे इस वी पे क्लिक कर देंगे, तो ये एडिटिंग मोड में ओपन हो जाएगा। अब ये एडिटिंग मोड में तो आ गया जाए, ठीक है, बट अभी हमको यहाँ पर क्या करना है कि ऐड करना है एक जो है पिक्चर, तो हम यहाँ पर पिक्चर ऐड करेंगे। तो देखिए ये ओपन हो रहा है ये पेज, तो ये पेज यहाँ पर आ गया है। अब इस पेज को ओपन करने के बाद में पहला चीज़ तो ये हमें इसे बॉटम लेफ्ट में लगा हुआ है, हमें इसे क्या करना है सेंटर में कर लेना है, ठीक है ना। तो हम सेंटर में कर देंगे, और अगर सेंटर में नहीं करना चाहते तो यहाँ पे जैसे है वैसे रहने देंगे। हम आपको एक पिक्चर लगा करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैसे ही सिंपल कोड है, या मैं इसको लिखता भी नहीं हूँ, आपको सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करके भी दिखा देता हूँ कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे स्टूडेंट है, मैंने यहाँ पे HTML एडिटर ओपन कर लिया है
और यहाँ पर हम एक पिक्चर का, ये पिक्चर लगा हुआ है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। पहले यहाँ पे लाइव करके दिखा देता हूँ, IMGSRC इक्वल टू पिक्चर का मैंने यहाँ पर, और लिंक पेस्ट नहीं हुआ ठीक से, कॉपी कर लेता हूँ इमेज का एड्रेस, ये पेस्ट कर दिया, ये बंद कर दिया, और हमने इसको ये बंद कर दिया। अब इसको हम चला कर देखते हैं, ये पिक्चर आ गई है। तो ये वाला कोड हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और ये हम अपने उसी पेज में जाएंगे जहाँ पे हमें कोड को लिखना है। तो ये हमने 5 डे के नीचे इसी को पेस्ट करके इसे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में अब हम यहाँ पे इस वाले पेज पर आएंगे। देखिए अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अब हम जब इसको रिफ़्रेश करेंगे यानी F5 प्रेस करेंगे तो देखिए रिफ़्रेश हो गया और यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे फाइल के अंदर, फाइल के अंदर भी हम अपने कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं। आपको करके दिखाते हैं कैसे करेंगे, फाइल के अंदर हम कैसे अपलोड करेंगे वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। तो फाइल के अंदर हम आसानी से कैसे कर सकते हैं ये आप यहाँ पे बहुत ही सिंपली देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, प्लस पे आप क्लिक करिए, अपलोड दिया हुआ है। जो भी पिक्चर आपको अपलोड करना है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो मैं यहाँ पर ये कोर्स है ठीक है ना, कोर्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने ले लिया है। तो ये PNG पिक्चर है और इसका मैंने यहाँ पर नाम कॉपी कर लेंगे। तो हम इसका नाम हमने तो यहाँ पे, और इसका नाम लेने के बाद में इसे हम रीनेम कर लेते हैं और इसका नाम हम छोटा कर लेते हैं। ये CCC के नाम से बुक है, आप चाहें तो इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। CCC के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप CCC का ये बुक हमारा है, अभी आपको दिखाएंगे इसके अंदर कंटेंट कैसे हैं। तो मैं यहाँ पर इसे ओपन कर रहा हूँ पहले, फिर इसे एडिट करके आपको दिखाऊँगा और यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखाऊँगा कि प्रीव्यू आया या नहीं आया। तो ये प्रैक्टिकली है, ये मेरी वेबसाइट है और ये अभी रिसेंटली लॉन्च होने वाली है, तो इसलिए इस पर मैं प्रैक्टिकल करके दिखा पा रहा हूँ। तो देखिए इसमें हमें क्या कर दिया, CCC.png, और इसको मैंने अप्लाई करके सेव कर दिया है। अब ये सेव हो गया है। अब मैं इधर आऊँगा और इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये हमारी वेबसाइट इस पर लोड हो गई है, ये आ रही है ठीक है ना। तो ये CCC एग्ज़ाम बूस्टर है और स्पेशली जो है CCC स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई ये बुक है। ये वाली बुक आप परचेज़ कर सकते हैं जो है ठीक है ना, ये लगभग 60-70 रुपीज़ के आसपास है जो है ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं अगर आप CCC के स्टूडेंट हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो कि किस प्रकार से हमें करना है। फ़िलहाल के लिए मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूँगा क्योंकि ये हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने हटा करके और ये हमने अप्लाई कर दिया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से वेबसाइट में अपलोडिंग किया जाता है और अपलोड करने के बाद में कैसे चीज़ें। तो ये आपको वेब पब्लिशिंग, वेब ब्राउजिंग और ये जो टूल है FileZilla, ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से कि कैसे यूज करना है। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं और ये पूरा बुक्स चाहते हैं कि हमें मिल जाए, तो उसके लिए आपको कुछ सिंपल सा काम करना है कि ये आपको पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करने के लिए आपको कुछ सिंपल सा काम करना है, आप यहाँ पे दिया हुआ जो नंबर है इस नंबर पे आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है। ये आपका पेटीएम पे, फ़ोनपे, गूगल पे, दोनों पे दिया हुआ है। अगर आपके पास बैंक ये सुविधा नहीं है तो आप बैंक डिटेल में भी जा करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कितना करना है, तो पेमेंट आपको जो है पूरा कंप्लीट लेने के लिए 200 रुपये पे करना है, और अगर आपको केवल MCQ चाहिए तो आपको 100 रुपीज़ पे करना है। तो कम्प्लीटली आपको सब कुछ चाहिए तो आपको 200 रुपीज़ पे करना है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आपके कल के वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से हम जो है पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि पेपर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं थ्योरी के लिए। तो ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। नोट्स में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, तो अगर आपने नोट्स नहीं देखा, अगर आप नए हैं
तो आप लोग जो है हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको नोट्स अगले वीडियो में दिखा दूंगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आप लोग कमेंट्स वगैरह अपने डाल दीजिएगा, अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो हम आपके नए वीडियो में आएंगे, उसमें लेकर के आएंगे और आपके प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।